राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में भाग लिया। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। इतना ही नहीं, बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि दोनों सम्मानित नेता हैं, दोनों ही कांग्रेस की संपत्ति हैं। दोनों सम्मानित नेता है, सम्मानित नेता है, एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर वन कह देता कोई आदमी, नंबर टू कह देता, नंबर थ्री कह देता, और ये हमारे नंबर वन टू थ्री है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी उनकी नेतृत्व में जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं, और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का। तस्वीरों में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और गहलोत दिख रहे हैं। हाल ही में गहलोत और पायलट के बीच मतभेद तब और बढ़ गए थे जब कांग्रेस के दिग्गज नेता ने एक मीडिया आउटलेट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अपने पूर्व डिप्टी को गद्दार कहा था। सूत्रों के मुताबिक वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं को एक बंद कमरे में मिलवाया और फिर गहलोत और पायलट दोनों को मीडिया के सामने हाथ उठाकर कहा, ये राजस्थान कांग्रेस है, हम पूरी तरह से एकजुट हैं। भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है, इसलिए राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी आएगी एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। सोते ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है, राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है वो सबसे उमदा और नंबर एक पर राजस्थान की जनता कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया के एक सवाल पर कहा कि दोनों नेता पार्टी के असेट हैं। नो यस्टरडे दैट हैज बीन क्लियर बाय राहुल गांधी आवर लीडर वेरी क्लियरली। अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों पार्टी का असेट है, दोनों पार्टी के असेट है, असेट है, राहुल गांधी का क्लियर कट वर्ड हुआ। Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.